हेलो फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो वी कंप्लीट आवर बिफोर इनकम्प्लीटेड वीडियो। जो हमारी पिछली वीडियो थी वो हमने टू सेट्स बताए थे, उसमें मतलब जो टू फॉर्मेट बताए थे, सिंपल पास्ट और सिंपल नेगेटिव। इस वाली वीडियो में हम इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव प्लस सेट्स बनाना सीख लेंगे इसी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस चल रहा है, तो इसे करना कैसे होता है? इसे करने के लिए हमें चाहिए मतलब इसका फॉर्मेट देखते हैं इंटरोगेटिव का। वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज विदाउट क्वेश्चन मार्क देयर इज नो क्वेश्चन फॉर्मेशन। समझ गए? क्योंकि बिना क्वेश्चन मार्क के वो क्वेश्चन कोई क्वेश्चन ही नहीं माना जाएगा आपका। तो जो हमने अपनी पिछली वीडियो में 6 एग्जाम्पल लिए थे, उन्हीं एग्जाम्पल के थ्रू हम ये वाला कंप्लीट करते हैं इंटरोगेटिव का। तो हमने पिछली वीडियो में करा था यू वर गोइंग, सिंपल पास्ट में। पास्ट नेगेटिव में क्या था? यू वरंट गोइंग। अब इंटरोगेटिव में हम करेंगे वर यू गोइंग। समझ गए? जैसे वर यू गोइंग, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। आई वाज जंपिंग, ये पहले किया था हमने। आई वाजंट जंपिंग, ये कर लिया था। तो अब इसका हो जाएगा वाज आई जंपिंग। जो हमने वाज और वर लगा रखे थे अपने क्वेश्चन में, वाज और वर में वैसे जो लगा रखा था वो आगे आ जाएगा और बाकी का चीज पीछे हो जाएगी हमारी। तो एक और है, वाज आई प्लेइंग, वर वी अब्यूजिंग, वर वी रीडिंग और वाज आई सिंगिंग। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट इंटरोगेटिव। कंप्लीट हो गया हमारा। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव करते हैं। इसको बनाने का फॉर्मेट होता है वाजंट और वरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हमारा इसको बनाने का फॉर्मेट होता है ऐसे ही। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा वरंट यू गोइंग, वाजंट आई जंपिंग, वाजंट आई प्लेइंग, वरंट वी अब्यूजिंग, वरंट वी रीडिंग, वाजंट आई सिंगिंग। 6 एग्जांपल मैंने इसके भी करा दिए। अब हम सेट्स बनाना सीख लेते हैं। सेट बनाने के लिए क्या करना होता है? जैसे मैंने आपको 4 वो पढ़ा दिया उत्तर, सिंपल पास्ट, पास्ट नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब हमें इन्हें एक लाइन में लिखना है। जैसे मैं आपको बताऊंगा वो आप अपनी नोटबुक में लिख लो। ऐसे यू वर गोइंग, यू वरंट गोइंग, वर यू गोइंग और वरंट यू गोइंग, ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमें करना होगा आई वाज जंपिंग, आई वाजंट जंपिंग, वाज आई जंपिंग और वाजंट आई जंपिंग। तो हमें ऐसी सेट्स बनाने होते हैं, ऐसी सेट्स बनाते हैं। 2 सेट्स और बना लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो एंड कर देंगे। आई वॉज प्लेइंग, इन्हें लिख लो नोटबुक में। आई वाजंट प्लेइंग, वाज आई प्लेइंग, वाजंट आई प्लेइंग, ये हो गया। एक और, वी वर अब्यूजिंग, वी वरंट अब्यूजिंग, वर वी अब्यूजिंग, वरंट वी अब्यूजिंग। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। So, अब हमें क्या करना होगा? अब हमें करना होगा कि अगली जो वीडियो आएगी हमारी, उसमें हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। अब 15 अगस्त भी नियर आने वाला है, हमारे पास में आ गया टाइम। तो हो गया 15 अगस्त का, 10-12 दिन बचे हैं। तो उसके लिए कोई, जैसे आपको किसी आपकी अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रही होंगी, या फिर कोई कोई ऑफलाइन भी जा रहा है, तो जो बच्चे ऑफलाइन या ऑनलाइन, जिसको किसी को स्पीच देनी हो, तो हम आपको इंडिपेंडेंस डे पे एक परफेक्ट स्पीच बताएंगे 2-3 मिनट की, जो लर्निंग में भी इजी होगी, और पूरा इंट्रोडक्शन बताएंगे कि आपको स्टार्ट कैसे करना है और एंड कैसे करना है। तो हमारी आने वाली वीडियोस को भी देखते रहना, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और साइड में बेल नोटिफिकेशन है वो भी ऑन कर लो, ताकि ऐसी मोर लेटेस्ट वीडियो आपके पास जल्दी जल्दी अपडेट होकर आती रहे। सो बाय।